ताजमहल में बम मिलने की सूचना से मचा हड़कंप। जांच में जुटी पुलिस की टीम। आगरा के ताजमहल में बम होने की खबर सामने आई है, जिससे चारों तरफ सनसनी फैली हुई है। फिलहाल पुलिस की कई टीमें ताजमहल में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। ताजमहल के भीतर मौजूद सभी पर्यटकों को बाहर निकाल दिया गया है, ताकि किसी भी स्थिति में कोई हताहत ना होने पाए। ताजमहल के सभी द्वार बंद कर दिए गए, प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। CISF को अलर्ट कर दिया गया है। बता दें कि किसी अज्ञात आदमी ने पुलिस को फोन कर इस बात की जानकारी दी। फोन पर ताजमहल में बम रखे होने की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। तुरंत जांच शुरू कर दिया गया है। ताजमहल को खाली कराया गया है। देखना होगा कि फोन पर पुलिस को मिली सूचना सही है या गलत। आपको बताते चले कि पर्यटकों को बाहर निकाला गया। फिरोजाबाद से एक सिरफिरे ने फोन करके बम की झूठी सूचना दी थी। आरोपी पकड़ा गया है और पूछताछ जारी है। ताजमहल में बम होने की सूचना फर्जी निकली। भर्ती रद्द होने से नाराज युवक ने किया था फोन। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए पवन कुमार सिंह की खास रिपोर्ट। कंट्रोल रूम के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई थी। एक व्यक्ति ने फोन किया था, वो बता रहा था कि कोता की ताल लोहा मंदिर क्षेत्र से बोल रहा है, सैनिक भर्ती में गड़बड़ियां हो रही हैं, उसकी भर्ती उसमें नहीं हुई है, ताजमहल पर बम रखा गया है जो कुछ देर में ही फूट जाएगा। इस संबंध में सूचना प्राप्त होते ही तत्काल सीओ सदर के नेतृत्व में ताजमहल के आसपास छानबीन की जा रही है। CISF को अलर्ट कर दिया गया है, उसका लोकेशन प्राप्त किया गया सर्विलांस के माध्यम से। उस व्यक्ति का तो फिरोजाबाद आ रहा है। शेष अग्रिम वैधानिक।